हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। फ्रेंड्स, अशिका गोरिया, जिसने सीरियल कुसुम में अपनी अदाकारी से शोहरत हासिल की, बर्नेट गोबल के साथ अपने पहले बच्चे की आमन के साथ की जचगी को गले लगा लिया है। गैर मरूफ के लिए अदाकारा की कई हॉट सीरियल्स का हिस्सा रही हैं और अपना मेकअप ब्रांड रिनी कॉस्मेटिक्स भी चलाती हैं। ये इनकी पहली कंपनी में से एक है जो छोटी लड़कियों के लिए खसूसी कॉस्मेटिक्स बनाती है। अशिका गोरिया के शोहर ब्रेंट गोबल ने अपने बच्चे की आमद का ऐलान कर दिया है। 27 अक्टूबर 2023 को अशिका गोरिया सुबह 7:45 पर एक बच्चे को जन्म दिया। बर्नेट अपने इंस्टाग्राम पर और अस्पताल के कमरे से अपने बच्चे की पहली झलक पोस्ट करते हैं। हम अशिका और ब्रेंट को अपने बच्चे का छोटा सा हाथ पकड़े हुए देख सकते हैं, जब वो नरम क्रीम टोन स्वेटर में सजा हुआ था जिसकी आस्तीनों पर लेसी की तफसीर थी। तस्वीर के साथ ब्रेंट ने अपने बेटे का नाम भी जाहिर किया है और शेयर किया है कि उन्होंने इसका नाम विलियम अलेक्जेंडर रखा है। ब्रेंट ने ये भी बताया है कि किस तरह अशिका ने बहुत ताकत के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के वालिद ने अपने इंस्टाग्राम पर आज सुबह 7:45 पर विलियम अलेक्जेंडर इस दुनिया में आया है और सीधे हमारे दिलों में आया है, जबकि मैं जानता हूँ कि इस दिन से पहले मेरी जिंदगी मौजूद थी, मुझे इसका बहुत कम याद है। अशिका ने इसे फरिश्ते की फजल से निजात दिलाई, वो अब आराम कर रही है। हमारे छोटे बच्चे के साथ हमारे दिल कभी रोशन नहीं हुए, मैंने कभी ऐसी मोहब्बत को नहीं जाना, अब और हर रोज मैं खुदा के वजूद का जिंदा सबूत हूँ। नाजरीन, रिनी कॉस्मेटिक्स की ओनर अशिका गोरिया के यहाँ एक बच्चे की विलादत हो चुकी है, जिस पर उनकी फैमिली काफी खुश दिखाई दे रही है। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।